हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। एक सुखद आसन में बैठ जाइए। सुखासन की अवस्था में, सिद्धासन की अवस्था में, पद्मासन की अवस्था में, जिसमें भी सुविधा हो, लेकिन एक आरामदायक आसन को अपना करके अजपा जप की साधना के लिए तैयार हो जाइए। मेरुदंड को सीधा रखिए, दोनों हाथ अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा या चिन मुद्रा की अवस्था में, सिर शरीर के साथ एक सीध में, आंखें बंद, अपने पूरे शरीर को स्थिर बनाने का प्रयास कीजिए। शरीर का मानसिक अवलोकन करें। अगर शरीर में कहीं पर किसी प्रकार का तनाव है, कड़ापन है, या शरीर में किसी प्रकार का बंधन है, तो अपने आप को इन सब से मुक्त करके एक आरामदायक स्थिति में लाने का प्रयास कीजिए। शरीर के प्रति सजग बन जाइए। शारीरिक सजगता का ख्याल शरीर के प्रति सजग बने रहिए और शरीर को आराम की स्थिति में लाइए। अजपा जप के अभ्यास की अवधि भर के लिए अपनी चिंताओं को भूल जाइए। शरीर में और मन में स्थिरता, सुख, शांति और आनंद का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल। आपका शरीर एक मूर्ति की भांति स्थिर है। अपने शारीरिक स्थिति को एक बार पुनः ध्यान से देख करके ठीक कर लीजिए। एक बार अजपा जप का अभ्यास शुरू होता है तो शरीर को फिर हिलाना नहीं है। पूरे शरीर का ख्याल, शारीरिक स्थिरता का अनुभव। मूर्ति की तरह आपका शरीर स्थिर है। शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं, किसी प्रकार का तनाव नहीं, कड़ापन नहीं और बंधन नहीं। शरीर शांत और स्थिर है। शरीर के प्रति, शारीरिक अनुभवों के प्रति सजग बने रहिए।
शारीरिक स्थिरता का अनुभव करते जाइए। स्थिरता के अनुभव के साथ शांति के अनुभव को भी जागृत कीजिए, सुख के अनुभव को भी जागृत कीजिए। स्थिरता, शांति और सुख के अनुभव का दर्शन कीजिए। स्थिरता, सुख, शांति के अनुभवों का दृष्टा बनिए। स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बने। श्वास प्रश्वास की क्रिया को मानसिक रूप से देखते जाइए, अनुभव करते जाइए। मन में अपने आप को कहिए, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं, और इन विचारों को मन में ला करके प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया के प्रति सजग बने रहिए। सामान्य श्वास, श्वास की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। सामान्य श्वास, सहज श्वास, मन में केवल यह भावना रहे, मन में केवल यह विचार रहे, मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास छोड़ रहा हूं, मैं श्वास का दृष्टा हूं। इन्हें विचारों को मन में ला करके सहज श्वास के प्रति दृष्टा भाव, सहज श्वास के प्रति सजग रहिए। श्वास को नासिका छिद्रों में अनुभव कीजिए। जब श्वास अंदर आती है, जब श्वास बाहर जाती है, तब नासिका छिद्रों में श्वास का ख्याल, श्वास के तापमान का ध्यान करते हुए कीजिए। श्वास लेते समय नासिका छिद्रों में हल्के ठंडक का अनुभव होता है, श्वास छोड़ते समय नासिका छिद्रों में गर्म वायु का अनुभव होता है। श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बने रहिए। श्वास का अनुभव नासिका छिद्रों में कीजिए। अपने मन को श्वास के प्रवाह में लगा करके रखिए। कोई भी श्वास बिना आपके जानकारी के ना अंदर आ सकती है ना बाहर जा सकती है। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की क्रिया के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहिए। नासिका छिद्रों में श्वास का अनुभव करते जाइए। अब
श्वास की सजगता को कंठ में लाइए। श्वास का अनुभव कंठ में कीजिए। श्वास का अनुभव कंठ में कीजिए। श्वास को कंठ में प्रवाहित होते देखिए। श्वास को कंठ में प्रवाहित होते देखिए। अपनी सजगता को बनाए रखिए। तंद्रा नहीं आनी है। जैसे जैसे मन शांत, एकाग्र और अंतर्मुखी होता है, निद्रा और तंद्रा की स्थिति का अनुभव भी होता है। आप अपनी चेतना को श्वास के साथ जोड़ के रखिए। कंठ में श्वास का अनुभव। श्वास के प्रवाह को कंठ में देखिए। अब कल्पना कीजिए कि नाभि से कंठ के बीच एक पाथवे है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। एक पारदर्शी ट्यूब की तरह एक पथ है कंठ और नाभि के बीच। इस पारदर्शी पथ में नाभि और कंठ के बीच श्वास चलायमान होती है। श्वास के प्रवाह को नाभि और कंठ के बीच में देखिए। अनुभव कीजिए, कल्पना कीजिए कि श्वास लेते समय नाभि से कंठ तक श्वास का प्रवाह होता है। अनुभव कीजिए कि श्वास लेते समय महसूस होता है कि श्वास को नाभि से कंठ तक ऊपर की ओर खींचा जा रहा है और श्वास छोड़ते समय श्वास कंठ से नाभि तक वापस आती है। श्वास प्रश्वास की क्रिया में, गति में कोई परिवर्तन नहीं। सहज श्वास की क्रिया। केवल अपनी सजगता को पारदर्शी पथ में, जो नाभि और कंठ के बीच में है, श्वास के साथ जोड़ करके रखिए। श्वास लेते हैं तब उस समय श्वास का प्रवाह नाभि से कंठ तक होता है और श्वास छोड़ते समय श्वास का प्रवाह कंठ से नाभि तक होता है। इस क्रिया के प्रति पूर्ण जागरूक, पूर्ण सजग बने रहिए। नाभि से कंठ के बीच श्वास प्रश्वास का ख्याल। नाभि और कंठ के बीच श्वास का संचरण अनुभव करें। श्वास लेने की क्रिया में श्वास नाभि से कंठ तक जाती है और प्रश्वास में
कंठ से नाभि तक वापस आती है। श्वसन क्रिया के प्रति पूर्ण सजग बने रहें। आपकी श्वसन क्रिया गहरी और तनाव रहित है। अब सोहम मंत्र को श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास लेते समय जब श्वास नाभि से कंठ तक आती है, जिसको योग की भाषा में आरोहण कहते हैं, उस समय सो मंत्र का मानसिक उच्चारण होना चाहिए और अवरोहण के समय जब श्वास कंठ से नाभि तक नीचे आती है तब हम मंत्र का मानसिक उच्चारण होना चाहिए। श्वास लेते समय सो मंत्र का मानसिक उच्चारण, श्वास छोड़ते समय हम मंत्र का मानसिक उच्चारण। श्वास लेते समय प्राण के आरोहण के समय सो मंत्र की ध्वनि निकलती है, प्रश्वास के साथ अवरोहण के समय हम मंत्र की ध्वनि निकलती है। श्वास और मंत्र दोनों की गतियों के प्रति पूर्णतः सजग रहे। अपनी चेतना को श्वास और मंत्र पर केंद्रित रखें। मन में किसी प्रकार का भटकाव नहीं, विचार नहीं, शरीर में तनाव नहीं, कड़ापन नहीं। सजगता को बनाए रखें। प्रत्येक श्वास के साथ सोहम मंत्र का जप अनवरत चलता रहेगा। अपनी सजगता को श्वास और मंत्र से हटाना नहीं है। अजपा जप की साधना में श्वास और मंत्र एक हो जाते हैं। मंत्र श्वास की ध्वनि है। श्वास लेने की प्रक्रिया में सो मंत्र का उद्भव होता है, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया में हम मंत्र का उद्भव होता है।
सहज श्वास की जो ध्वनि है उसे ही सो हम मंत्र के रूप में योगियों ने अनुभव किया है। इसी सोहम मंत्र को श्वास के साथ मन में बोलते जाना है। जब श्वास नाभि से कंठ तक इस अग्रभागीय मार्ग में ऊपर आती है तब सो मंत्र का मानसिक उच्चारण होना है और जब श्वास कंठ से नाभि तक नीचे लौटती है तब हम मंत्र का मानसिक उच्चारण होना है। सो हम मंत्र का जप श्वास के साथ लगातार चलते रहना चाहिए। शरीर को हिलाए नहीं, सजगता के प्रति परम सजगता को धारण करें। ध्यान और एकाग्रता की गहराई में सजगता ही है। मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच श्वास के प्रवाह का अनुभव करते जाइए। श्वास के आरोहण एवं अवरोहण के प्रति सजगता कायम रखें, श्वास के प्रति पूर्ण सजगता। सोहम मंत्र का जप श्वास के साथ होते रहना है। आपको अजपा जप के क्रिया के प्रति आंतरिक रूप से सजग रहना है। ऊर्ध्वगामी सूक्ष्म श्वास है सो, अधोगामी श्वास चेतना है हम। शरीर को हिलाना नहीं, आपका शरीर मूर्ति की भांति स्थिर है। सोहम मंत्र का ख्याल सतत बने रहना चाहिए। सो हम सो हम नाभि से कंठ तक सो के प्रति सजगता, कंठ से नाभि तक हम के प्रति सजगता। मन को शांति प्रदान करने वाला सोहम मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। यह अजपा जप की क्रिया है।
अब अपनी चेतना को भ्रू मध्य पर केंद्रित कीजिए। श्वास का ध्यान, श्वास की सजगता छोड़ दें। अपनी चेतना को श्वास और मंत्र से हटा करके भ्रू मध्य में स्थापित कर दीजिए। भ्रू मध्य में एक ज्योति की कल्पना कीजिए, जैसे एक दीपक पूजा स्थान में जलता है, वैसे ही एक दीपक की ज्योति की कल्पना बंद आंखों के सामने भ्रू मध्य में करनी है। दीपक की ज्योति, ज्योति के प्रतीक पर अपने ध्यान को केंद्रित करके कुछ समय के लिए शारीरिक स्थिरता और मानसिक शांति का अनुभव करते जाइए। शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं, शरीर स्थिर है। मन में किसी प्रकार की विक्षिप्तता नहीं, मन शांत है। शारीरिक स्थिरता और मानसिक शांति का अनुभव करते जाइए। अपनी चेतना को भ्रू मध्य में केंद्रित रखिए। गहरी श्वास आप अंदर लीजिए और श्वास छोड़ते समय मेरे साथ ज्योति पर अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। श्वास अंदर आप अपनी चेतना को बहिर्मुखी बनाइए, अपनी सजगता को बहिर्मुखी बनाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए। धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाइए, हाथों को रगड़िए और उसके पश्चात दोनों हाथों को बंद आंखों पर कुछ क्षणों के लिए रख दीजिए और फिर धीरे से आंखों को खोल लीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अजपा जप का अभ्यास समाप्त होता है। हरिओम तत्सत।